दोस्तों, पैसे कमाने से और पैसे बढ़ाने से जुड़े आइडियाज हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। हम लोग अपने ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज के बदौलत कम वक्त में ही एक सफल बिजनेस की नींव रख देते हैं। आजकल टेलीविजन पर आने वाले फेमस रियलिटी शो शार्क टैंक में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शार्क टैंक एक इंडिया बिजनेस बेस्ड रियलिटी शो है जिनमें 7 ऐसे चर्चित एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कम वक्त में ही करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है। तो आइए दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं शार्क टैंक के जजेस से। यहाँ हम आपको उनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। रियलिटी शो शार्क टैंक के पहले जज हैं विनीता सिंह। इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक्स की संस्थापना की है। इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए है। विनीता फैब बैग की भी को फाउंडर है। दोस्तों, शो की अगली शार्क है गजल अलग। ये मामा अर्थ की को फाउंडर है। गजल की नेटवर्थ अभी 148 करोड़ रुपए की है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि गजल शो पर मौजूद जजेस में उम्र के हिसाब से सबसे छोटी हैं। शो के अगले जज हैं अनुपम मित्तल। अनुपम शादी.com के फाउंडर हैं। इनकी नेटवर्थ 185 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शादी.com के अलावा मकान.com को भी अनुपम ने ही स्थापित किया है। शो में लेंसकार्ट के CEO पीयूष बंसल भी शामिल हैं। पीयूष की मौजूदा नेटवर्थ 587 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पीयूष ने dailyobjects.com में भी इन्वेस्ट किया है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर शो की अगली जज हैं। इनकी नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हम दर्शकों को बता दें कि नमिता इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड की फाउंडर भी हैं। अश्नीर ग्रोवर भारत पे के को फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इनकी संपत्ति 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। शो पर मौजूद जजेस में अश्नीर सबसे अमीर है। अमन गुप्ता प्रसिद्ध टेक ब्रांड बोट के को फाउंडर हैं। महज 7 सालों के अंदर आज अमन की संपत्ति 710 करोड़ रुपए के करीब की है। बता दें कि अमन ने शिप रॉकेट अन्वेषण बमर में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये थे शार्क टैंक के शार्क्स की नेटवर्थ। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी होगी। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।